पग पग पोखर माछ मखान मधुर बोल मुस्की मुख पान विद्या वैभव शांति प्रतीक ललित नगर ई मिथिला थी। हर पग पर यहाँ जो है सो पोखरा मिलेगा आपको, तालाब, पग पग पोखर माछ, माछ मतलब मछली, मखान जो आपके हाथ में है, पग पग पोखर माछ मखान मधुर बोल मीठा बोल मुस्की हर सबके चेहरा पर स्माइल मिलेगा आपको, मुख पान मुंह में पान खाते हुए सभी लोग मिलेंगे। वैसा दरभंगा है, वैसा मिथिला है, उस मिथिला में आपका स्वागत है। हम लोग आज अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं बिहार के एक ऑथेंटिक नाश्ते से, चूड़ा दही। बिल्कुल मेन 0 माइल पे ये दुकान है, इनके यहाँ कई तरह की मिठाइयाँ हैं। सुबह के नाश्ते में पूरी, सब्जी, जलेबी, बुनिया, साथ में गर्मा गर्म चाय। ये बिल्कुल एकदम मिथिलांचल का बहुत पॉपुलर ब्रेकफास्ट है, चूड़ा दही। ऊपर से थोड़ा करारापन के लिए चीनी, फिर मिठास भी आ जाती है, साथ में तरकारी, आलू गोभी और चने की। ये तरकारी लोग कचौड़ी के साथ भी खाते हैं, पूड़ी के साथ भी खाते हैं, और साथ में इसके भी खाया जाता है। खासकर बिहार में एक बहुत ही फेमस त्यौहार होता है, उसका नाम मकर संक्रांति है। उस समय लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में स्नान करने के बाद चूड़ा दही खाते हैं, साथ में तिलकुट। चूड़ा लोग काफ़ी लोग भिगो के भी खाते हैं जी, बहुत भिगो, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, लेकिन मज़ा नहीं आता है वो जब तक कुरकुर नहीं लगेगा। बिल्कुल, अगर मॉर्निंग के टाइम पे चूड़ा दही खा लें तो काफ़ी देर तक भूख भी लगती नहीं है और पेट भी ठंडा रहता है। काफ़ी अच्छा माना जाता है मॉर्निंग के समय दही खाना, और शुद्ध भी माना जाता है। बहुत लोग अपने अगर जर्नी की शुरुआत या कुछ अच्छे काम पे जा रहे हैं, दही चूड़ा खा के फिर निकलते हैं। चूड़ा की क्वालिटी आती है भागलपुर कतरनी जी, कतरनी बहुत ही मीठा होता है। ये पूड़ी बहुत ही मीठा होता है, चूड़ा खुद में खाने में मज़ा आता है। चूड़ा को भून के भी खाते हैं और चूड़ा से ही पोहा भी बनता है। अब नाश्ता तो काफ़ी अच्छा हमने कर ही लिया है, मिथिलांचल का बहुत पॉपुलर नाश्ता चूड़ा दही। अब चलते हैं मिथिलांचल और वहाँ के कुछ ऑथेंटिक जायकों से आपको रूबरू कराएंगे।
डॉक्टर जयप्रकाश चौधरी जनक मैथिली साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार हैं और हास्य व्यंग के मैथिली भाषा में शिखर पे हैं। मैथिली भाषा बहुत ही मधुर भाषा है, बहुत ही पुरानी भाषा है और सीता का नाम मैथिली है, तो जब सीता हुई हैं तब से ये भाषा है। और इसका उदाहरण जो है सो वाल्मीकि रामायण में भी आया है कि मानुषी भाषा के रूप में सीता जो भाषा बोलती थी उसको मानुषी भाषा बोला गया है, वही मैथिली है। तो उस समय से ये भाषा है और बहुत मधुरतम भाषा में इसकी गिनती होती है। उसके हमारे डॉक्टर जयप्रकाश चौधरी जनक जी हास्य व्यंग पे इनका बहुत ज़बरदस्त पकड़ है और जब ये खड़े होते हैं मंच से तो लोग इनको देख के ही हंसना शुरू कर देता है और फिर जब इनकी वाणी प्रस्फुटित होती है, इनकी कविताएं जब पढ़ी जाती हैं तब तो फिर उसका अंदाज़ा आप वैसे नहीं लगा सकते हैं। वो हैं आप डॉक्टर जयप्रकाश चौधरी जनक, दरभंगा जिला के कोरथू गाँव के रहने वाले हैं। मेरा नाम मणिकांत झा है, मैं कुछ कुछ लिखता हूँ, मैं भी आकाशवाणी दरभंगा में यहाँ कार्यरत हूँ, अनाउंसर के बोले अनाउंसर हूँ और हर जिले में एक संवाददाता हुआ करते हैं। मैं दरभंगा जिला का संवाददाता हूँ, इलेक्शन कमीशन ने अपना आइकॉन बना रखा है और कुछ कुछ सामाजिक कार्यों में लगा रखा है। सतयुग के बाद त्रेता, तब द्वापर, तब कलयुग। त्रेता में अयोध्या में राजा दशरथ के चार बेटे हुए थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों की शादी मिथिला में एक ही रात जनकपुर नामक जगह में हुई थी, जो मंडप अभी तक है कि यहाँ शादी हुई थी। संयोग से आज से करीब 200 वर्ष पहले अंग्रेज और इंडिया के मालिक अंग्रेज ही थे, नेपाल सरकार, इनमें एक संधि वार्ता हुई। एक जगह का नाम है सुगौली, जहाँ आप जाएंगे चंपारण के तरफ जी। सुगौली वहाँ एक मीटिंग फैसला मामला हुआ था। मामला का फैसला में हुआ कि भाई नेपाल और इंडिया का ऐसा सीमांकन कर लो, मेर बना दो कि कुछ पार्ट नेपाल का इंडिया में दे दो और कुछ इंडिया का नेपाल में ले लो। उसमें हम लोगों की गर्दन कट गई। वो जो जनकपुर मेरा था, जहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की शादी हुई थी, वो कट के नेपाल में चला गया है, अभी गया है। खैर, उन दिनों में मिथिला थी, तब न आए थे। पूछा है भगवान राम ने विश्वामित्र से कि अब कौन जगह आ गए, तो मिथिला आ गए। बाप बाप बाप, मिथिला में तो कदम कदम पर तालाब, पोखरा, सब पोखरा में कमल फूले हुए। राम को देख के आश्चर्य लगा। बंजर भूमि के रहने वाले राम थे, बाजरा खाने वाले, आ गए मिथिला में, सब में मखाना, सब में कमल का फूल। संजोग से यहाँ चार लड़की कुमारी भी थी, राजा की अपनी बेटी, राजा की भतीजी भी, तो सीता, उर्मिला, मंडवी, श्रुतिकीर्ति, चार वधु हो गई और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई हो गए। त्रेता से यह मिथिला है। मिथि नाम के एगो राजा थे, MITHI, मिथि। मिथि के नाम से इस भूमि का नाम मिथिला पड़ गया और यहाँ दलदल भूमि थी ज्यादा, यह नीची जमीन है, तो दलदली को माने सख्त करने के लिए जगह जगह हवन होम किया जाता था, स्वाहा स्वाहा। आग की लपट से दलदली भूमि सख्त हुई है। नदी के तीर तीर पर जो आहुति हुई, इसीलिए तीर आहुति बराबर तीरहुति, इसका एक नाम तिरहुत भी है और एक नाम मिथिला भी है। मिथि के नाम पर मिथिला और तीर पर हवन के नाम पर तिरहुत, दो नाम हो गया। पहले लोग यहाँ संस्कृत बोला करते थे, उसके बाद एक प्राकृत नाम की भाषा थी, जहाँ प्राकृत लोग, यही नहीं, प्राकृत कई जगह बोला जाता। प्राकृत में है एक पंक्ति आपको सुना देता हूँ। आज भोजन का यहाँ एक सेमिनार मानिए कि उत्सव मानिए, त्यौहार मानिए, तिरहु उसमें लिखा है। आज से करीब 1000 वर्ष पहले की दो पंक्ति सुना रहा हूँ।
कि भोजन क्या सब होना चाहिए, तो उसमें लिखे हैं प्राकृत में, उग्गर उग्गर भत्ता रंभा अपत्ता गायिक घित्ता दुग्ध संजुत्ता मोइन मच्छा नालिच गच्छा दिज्जय कंता खा पुण्यवंता। एक सौभाग्यवती पत्नी किसी भाग्यवान पुरुष को यह भोजन कराती है, क्या रंभा पत्ता केले के पत्ते पर, उग्गर भत्ता पतले चावल का भात, गायिक घित्ता गाय का घी, दुग्ध संजुत्ता उसमें दूध, मोइन मच्छा अपने गांव के पानी के कीचड़ में रहने वाली काली काली मछली, और नालिच गच्छा पटुआ एगो साग होता है हमारे यहाँ जो तीत लगता है खाने में, तो पटुआ का साग, काली काली मछली, केला का पत्ता, पतले चावल का धान, गाय का घी, दूध, ये अगर सामान रहे तो दिज्जय कंता देती है सौभाग्यवती पत्नी, अखा पुण्यवंता, पुण्यवान लोग ऐसा भोजन करते हैं, धन्यवान लोग। यह मिथिला में एक प्राकृत भाषा थी। उसके बाद एक भाषा यहाँ हो गया है, उस भाषा का नाम है अबहट्ट। अबहट्ट भाषा भी कुछ दिनों के बाद चार कोस पर पानी बदले, पांच कोस पर वाणी, हर चार कोस पर पानी बदल जाएगा, अब पांच कोस पर बोली बदल जाती है। तो अबहट्ट से कालक्रम से कुछ इसमें विकृति आते आते एक नई भाषा बन गई, जिसको अभी हम लोग मैथिली कहते हैं। पहले ही मैथिली थी न, हम लोगों के अभी के अर्वाचीन इस युग में सबसे महान कवि मैथिली में हम लोग विद्यापति को ही मानते हैं। उनसे पहले भी मैथिली थी, लेकिन खूब प्रचार प्रसार में विद्यापति का नाम बहुत है, उन्हीं के नाम पर सुनते होंगे विद्यापति पर्व, विद्यापति सम्मेलन हम लोग दिल्लियों में भी खूब करते हैं। यही मिथिला है, यहाँ के खान पान सात्विक होता है, पोशाक आभरण बहुत सात्विक, धोती और कुर्ता, ये धोती भी पहले यहीं तक पहनते थे लोग नीचों तक ने, घुटिया धोती और मुठिया टीक। ये मखान है नमकीन नमक दे करके इसमें इसी तरह खाने के लिए बनाया है, घी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मखान का तीन आइटम होगा, एक तो नमकीन हुआ, एक खीर हुआ, और एक जो हुआ ना इसी तरह भून करके और उसको चीनी का चाशनी बना करके उसमें डाल देंगे, उसी में चीनी का बना का इसी तरह खाने के लिए मीठा वाला हो जाएगा। जी जी, इसको क्या क्या बोलते हैं आप लोग? पछुआ पू बोलते हैं। पछुआ, हाँ, पछुआ पू। गुड़, चावल और सौंफ, तीन चीजें इसमें। चीनी का भी बनता है? नहीं, गुड़ का ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। मखाने का बहुत प्रयोग होता है यहाँ पे खाने में। मिथिला का तो पान मखान प्रसिद्ध है। जी, माछ पान मखान, ये मिथिला की शान। हाँ, मिथिला की शान। उस पर माथे पर पाग, ये भी शान। तो पछुआ दोनों बना सकते हैं, गेहूं के आटे में भी और चावल के आटे में भी। हाँ, दोनों में।
ये भुना हुआ मखाना है, कुटा भुना और कुटा हुआ। इसमें गुड़ डालेंगे कि चीनी डालेंगे? चीनी डालेंगे। तो मालपुआ में मैदा, चीनी, दूध, नारियल और ये इलायची। तो पुआ दो तरह से बनता है, एक तो बनता है कि उसको बनाने के बाद चाशनी में डाल देते हैं, सेकंड सूखा, ये सूखा वाला है, सूखा वाला। चीनी इसी में डाल दिए आप इसके घोल में ही। ये हम लोग का मेन प्रसिद्ध यही है, मेन मिथिला का जो हुआ मेन ये प्रसिद्ध है। वो आइटम का तो कोई वो वेरिएशंस हैं। तो चावल के आटे का, चावल के आटे को सान के उसके आसपास स्टफ कर देते हैं, या तो गुड़ डाल दीजिए या दाल डाल दीजिए। तो ये मीठा वाला बन रहा है। ये मीठा खोया डाल के भी बनता है। इतना मोटा मोटा बनता है, मोटा बनता है। इसको हाथ पे ही बनाते हैं, हाथ पे बनाया जाता है, चकला बेलना पे नहीं। नहीं तो टूट जाता होगा क्या? चकला बेलना पे टूट जाता है, हाथ से बनाते नहीं टूट। हाथ से पानी लगा लगा के जो बोले अड़कंच पत्ता का, अच्छा चटनी, उसको पानी थोड़ा दे करके उसमें दे देते हैं, और नमक दे देंगे, गल जाएगा, गल जाएगा। उसके बाद नींबू और मिर्ची, कच्चा तेल, कच्चा मिर्ची दे करके इसका नाम हुआ मिष्टी मखान हुआ, भुना हुआ। ये नमकीन मखान हुआ नमक दे करके घी में, हाँ। आइए पुआ हुआ मलपुआ, ये वाला ये मलपुआ हुआ। आइए है पोछुआ, हम लोग बोलते हैं इसको पोछुआ। ये मुरई पत्ता है ना, मुरई पत्ता जी जी, उसी का साग है। आइए अरिकंच जो बताए थे आपको, चटनी उसकी, उसकी चटनी है। बगिया तो बिल्कुल पीठे की तरह ही है, पीठा ही है, नाम अलग है। मीठा वाला में दाल दो को बने से नमकीन, ये अपना सके गुड़ बहुत बढ़िया। हमने हमने शुरुआत मीठे से की, मीठे की कई चीज़ें खाई, चावल की खीर, मखाने की खीर, पुआ, बगिया, साथ में पछुआ, पछुआ और एक मूली का साग, साथ में अरिकंद की चटनी, चावल की रोटी का वेट कर रहे हैं। ये चूल्हा या तो ईस्ट की ओर वो मुंह रहेगा या वेस्ट की ओर, किसी भी हालत में नॉर्थ की ओर और साउथ की ओर वो मुंह नहीं रहेगा। अगर दीजिएगा तो दोष लग जाएगा। वो देखते अभी ईस्ट में है अथवा वेस्ट, बस दो ही मुंह इसका, वो देना गलत होता है। तो वो बनाने वाली या तो ईस्ट में बैठेगी या वेस्ट में बैठेगी। तो तीसी का तेल भी निकाला जाता है, तीसी को भूंज के उसके बाद में प्याज में नमक वमक डाल के उसका चोखा ही बन जाता है जी। जी इसको थोड़ा कूट लेंगे, उसमें सजमा नहीं मिला
तो यहाँ पे तीन चीज़ें बनाई जा रही है, मूली का साग, सेकंड तीसी और कद्दू की सब्जी, इसको यहाँ पे सजमन कहते हैं, और इस कढ़ाई में बनाई जा रही है कदीमे की सब्जी, इसको सीताफल कहते हैं हम लोग। ये अरिकंच के पत्ते हैं, ठीक है, उसे छोटे नरम पत्तों को इकट्ठा करके तोड़ के उसकी जो बीच वाली जड़ें हैं वो निकाल लें पहले तो, और उसके बाद या तो बेसन के साथ या फिर उड़द के बेसन के साथ उसका एक पेस्ट बना लें, और उसको सारे पत्तों को समेट समेट के सटा सटा के एक रोल जैसा बनाना है। रोल बना के थोड़ी देर के लिए उसको ड्राई होने के लिए धूप में रखेंगे, और उसके बाद उसके छोटे छोटे स्लाइसेस काटेंगे पतले पतले, और फिर उसके स्लाइस के दोनों तरफ भी हम पेस्ट का प्रयोग करते हैं, हाँ, और उस तरह से करके गरम तेल में इसको डीप फ्राई करेंगे पहले तो। के बाद प्याज का पेस्ट बनाएंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएंगे, और उसको तड़का लगा के, तेल का तड़का लगा के उसमें पहले वो सारी पेस्ट फ्राई करके उसके बाद उसकी ग्रेवी डालेंगे, थोड़ा धनिया पाउडर, मिर्ची, हल्दी, सॉल्ट वगैरह डाल के, और बाद में जब वो खौल जाए तो उसमें वो स्लाइसेस डाल देंगे। जिस तरह से इसको बनाए हैं हम लोग, इसी तरह से अरबी के पत्ते का बनाते हैं, सेम प्रोसेस, ऐसे ही रोल बना के काट के फ्राई करके। अरबी के पत्ते में यदि खटाई नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसमें कंपल्सरी खटाई देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो ये नहीं। अच्छा, जैसे अरबी के पत्ते में तो गले में लगता है, हल्दी भी लगता है, सेम अरबी का पत्ता भी जल्दी हर जगह में मिलता नहीं है, 10 रुपया में 5 रुपया। हाँ, तो हम लोग अरबी का पत्ता भी कभी ऐसे इधर तरफ आए मुजफ्फरपुर की तरफ तो यहाँ से ले आते हैं, सौजन का फूल, अरबी का पत्ता, इसे भी हर जगह नहीं मिलता है। यहाँ क्या बन रहा है, ये क्या है? अदौड़ी और बैगन, ये बेसन का बनता है, उड़ीद के बेसन का, सिर्फ बेसन का ही, इसमें कुछ नहीं रहता है, मूली वगैरह और बैगन के साथ। ये मूली का और ये उड़ीद का बेसन के साथ बनता है, उसको सुखा के रखा जाता है, उसके साथ सजमन लौकी के साथ सब्जी बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं यार लोकल भाषा में? लोकल भाषा में मुरौड़ी कहते हैं, मुरौड़ी, ठीक है, मूली से बना मूड़ी, मूड़ी मुरौड़ी। एक कड़ी बड़ी का तैयारी हो रहा है, तो ये बेसन इसमें और क्या डालें? सरसों का तेल दिए है, इसमें हींग है, नमक है, जीरा है। ये भी हम लोग हर एक भोज में, ये कंपलसरी कड़ी बड़ी हर भोज में, ये हम लोग का बनना है। ओल की चटनी या ओल का चोखा बोला जाए, और एक बात और है कि बिहार में जो भी चोखा बनता है, चाहे वो बैगन का चोखा या आलू चोखा, उसमें कच्चा तेल जरूर डाला जाता है, कच्चा सरसों का तेल डालते हैं, उसको भूनते नहीं है।
आम का अचार अच्छा, एक किलो में 100 ग्राम सरसों। बहुत बहुत वैरायटी है मछली बनाने का। सब काटा निकाल लीजिए, इसको बड़ी जैसे खाए है ना उस तरह का भी बनता है, कोफ्ता का तरह बनता है, चोखा की तरह। हाँ मछली का चोखा। हाँ हाँ हाँ, तो इसका बहुत सारा आइटम, इतना आइटम है जो 10-11 आइटम बन जाए मछली का। बैंगन के चोखा। हाँ, जैसे चोखा बनाते हैं आलू या बैंगन का, उसी तरह मछली को आग में जला के और उसके बाद उसको अथी पका के तब बनाया जाता है। बहुत सारा आइटम। ये तो आज तो सरसों वाला बना रहे हैं, सरसों मछ। अब जैसे केला है, केला का छिलका हम लोग ना मतलब नहीं फेंकेंगे, इसका भी हम लोग मतलब उबाल के इसका चटनी बना लेंगे या इसका कोफ्ता बना सकते हैं, ऐसे भी होता है। अच्छा, नहीं कितना अच्छा समझाए। यहाँ के लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, यहाँ के व्यंजनों में खाद्य पदार्थ में अगर देखेंगे तो चूड़ा दही चीनी यहाँ का बहुत फेमस है। उसमें चूड़ा भी मीठा है, दही भी मीठा है और चीनी भी मीठा है। इसी तरह मिठाई जब लोग खाते हैं तो एक दो तरह की मिठाई नहीं होती है, 10-20 तरह की मिठाई होती है, और वो भी मिठाई 10 से कम कोई नहीं खाते हैं। और रसगुल्ला अगर हो तो 100-200 से कम में नहीं बात। 100-200 ये नॉर्मल केस में हो गया, बारात में तो आम तौर पे। अब इतना मीठा पचेगा, शरीर को पचाने के लिए भी कुछ चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने ये तिलकोर को पकड़ के रखा हुआ है। ये तिलकोर कच्चा में जितना तीता होता है, ये हल्का फ्राई होने के बाद वो चावल का पीसा हुआ लगा हुआ है उसमें, लेप जो लगा है, ठीक है। और वो जैसे ही गरम तेल में गया, गुण तो उसका सारा उसमें रहता है, केवल उसका तीतापन खत्म हो जाता है, वो आपके बॉडी को शुगर फ्री कर देता है। तो डायबिटीज़ में बहुत ही फायदेमंद दवाई की तरह काम करता है। तो हर चीज़ का बंदोबस्त अपना करके रखा हुआ है यहाँ के संस्कार और संस्कृति ने कि किस चीज़ से कैसे हमको बचना है। दाढ़ी होता है, चिलम चोटिया, लहसुन पेनी, आलम शाही, दलम दार। इनका कौन सा वाला है? लगता है चिलम चोटिया जैसे।
राम जी को पहले हाथ छोटे थे दोनों, जब शादी हुई मिथिला में तो ये कटोरियाँ 56 को दिया गया। आगे में मिथिला का नियम है 56 प्रकार, गेस्ट को देवता को 56 दी। अब राम यहाँ से वहाँ तक है तो हाथ जाएगा तब न खाएंगे, भगवान थे हाथ को बढ़ा लिए। शादी के बादे मिथिला में आए तो आजान बाहु हो गए, आजान बाहु मने जिनकी ये बाहें यहाँ तक आ जाए घुटने तक तरकारी के काम, तरकारी के काम। छोटे हाथ से नहीं चलेगा ये। एक्चुअली गांव में भोज भात ऐसे ही होता है ना, हाँ, सब लोग साथ बैठ के खाते हैं और साझे चूल्हे में खाना बनता है ना। हाँ, भोज में तो वही होता है जी। आदि घी अंत दही, वही भोजन के भोजन कही। भोजन के शुरू में घी होगा और अंत में दही होगा तभी भोजन पूर्ण मानेगा। थोड़ा सा हम लोग निवेद्य देंगे भगवान को, ये ब्राह्मणों में ये ट्रेडिशन है। अच्छा, सभी कुछ है। हाँ, साग सब्जियाँ, हरी साग सब्जियाँ है, उसके बाद तिलोरी है और बहुत सारे फ्राइड स्टफ भी है। हाँ, मतलब हर एक टेक्सचर है इसमें, हर एक स्वाद है। मीठा के लिए आपके पास करीमे की सब्जी है, करीमा है। हाँ, स्वाद बदलने के लिए ओल है, ओल है। स्वास्थ्य के हित से अगर आप तिलकोर को खाते हैं तो डायबिटीज कंट्रोल करता है आपका। ये बैगन में अदौड़ी डाल के वो अपना स्वाद दे रहा है, तो सब कुछ जो है सो अपना इसका अलग अचार है। स्वाद आप जब बदलना चाहें तो अचार का स्वाद लीजिए। धात्री मतलब आंवला की चटनी है, उस चटनी का उपयोग आप करते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वो है कि यहाँ भोजन की जो परंपरा रही है वो स्वास्थ्य को ध्यान में रख के और बहुत ही रिच जी जी रहा है। इसको आप कह सकते हैं एक तरह से बैलेंस डाइट। हाँ, की जो बात हम करते हैं वो सब कुछ है। ये रिंगन है ना, खट्टा है, खट्टा है। और इसमें तो एक वैरायटी इसका आता है जो गले में लगता भी है कप कप जैसा, लेकिन उसको ठीक करने के लिए खट्टा जो आपको लग रहा है ना, नींबू या और खटाई देके उसको उसके उसको ये काटा जाता है, तो गले में जो खिचखिच जैसी स्थिति उत्पन्न, जैसे अरबी के पत्ते, अरबी के पत्ते। हाँ, बस बस उसी तरीके से इसको नींबू डाल के इसमें उसको बैलेंस किया जाता है। और चूंकि टेस्ट इसका इतना अच्छा होता है कि वो गले में कप कप लगने के बाद भी लोग खाने से चूकते नहीं। नहीं, बहुत सही लगा। चला तीसी और लौकी की सब्जी, बहुत टेस्टी है। आजकल बाहर में तीसी को सुपर फूड मानता है, हेल्थ फूड मानता है, और यहाँ पे कितने सालों से लोग खाते आ रहे हैं। आदिकाल से ही है, लोग खाते आ रहे हैं। आज सुपर फूड मानना शुरू किया है जी, जी। मरुआ की रोटी और कोई खर्चा नहीं, मरुआ की रोटी और नमक तेल मिर्चाई डाल के लोग खाते थे और पूरा हेस्ट पुष्ट हो गया। ये तो है। तो भात हम लोग ऐसे नहीं किसी का खाएंगे, हम अपने रोटी खा लेंगे, रोटी खा लेंगे, खा लेंगे भात में। लेकिन भात खाने के लिए एक परंपरा का शुरुआत होगा, उसको सौजन भोजन बोलते हैं। सौजन भोजन में है कि इसी तरह का सचार लगता है और उसमें साथ बैठ के हम जो हमारे नए मान लीजिए हमारे दामाद हुए जिनकी शादी हुई है अभी, वो हमारे घर में जब भात खाना शुरू करेंगे तो एक विधिवत उनके साथ लोग बैठेंगे, हमारे परिवार के लोग बैठेंगे और बैठ के खाएंगे। हमारे बहनों ही हैं अभी बैठे हुए, जैसे इनका भी जब कभी हुआ। हाँ,
जब कभी हुआ होगा तो सौजन भोजन हुआ होगा, और उसमें है कि ये अपना सब कुछ ऐसे लगा के सजा के इनको दिया जाएगा, उनके साथ हम लोग भी बैठेंगे और एक साथ। अब हो गया कि अब घाल मेल आपके साथ मेरा हो गया है, उससे पहले मेरा भात वो नहीं खाते, उनका भात मैं नहीं खाता। तो सौजन जब हो गया तब फिर तब स्वजन हो गया। बड़ी है सब्जी भी, इसको नहीं हम लोग ट्रीट करते हैं, ये स्वच्छंद है अपने आप में, मैंने इसका क्या कहिएगा, सब्जेक्ट ही अलग है, ये किसी के साथ मिला जुला नहीं है। बड़ी का तीमन है। हाँ, तीमन तो तरकारी को ही बोलते हैं। रोहू मछली। कहते हैं काफी ब्राह्मण लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे नॉनवेज खाने का ट्रेंड कैसे शुरू हुआ? भोजन का क्या है ना कि भौगोलिक स्थिति से भोजन का तालमेल है, कहीं भी आप देखेंगे जैसे साउथ में आप देखते हैं कि बिना खट्टा खाए हुए लोग नहीं रह सकता है, वो रहेगा तो स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। राजस्थान में बिना मिर्चाई खाए हुए लोग नहीं रह सकता है, वहाँ भौगोलिक स्थिति पर भोजन निर्भर करता है। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, नदियों का जाल है, यहाँ पोखरा है, तो यहाँ भोजन सबसे सहज मछली और भात, चूँकि पानी में धान का उपज होता है और पानी सहजता से यहाँ उपलब्ध था, इसलिए यहाँ लोग तालाब खनवाते थे, उसके तालाब से जो मिट्टी निकली उसके टीले पर में अपना घर बनाते थे, तालाब में मछली डालते थे और धान होता था, मछली और भात। इसलिए आप इस जोन में बिहार बंगाल उड़ीसा या नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है, इस जोन में आप देखेंगे कि माँच भात का सबसे ज़्यादा ही है, उसका यही कारण है। और वो तो फिर शास्त्रार्थ का विषय है कि ब्राह्मण खाते हैं नहीं खाते हैं, वो कई जगह सिद्ध है कि हाँ खाते हैं, कई जगह सिद्ध है नहीं खाते हैं। तंत्र का केंद्र रहा है मिथिला, शाक्त हैं यहाँ लोग, शक्ति के उपासक हैं। सभी चीज़ बहुत लाजवाब है, बना टेस्टी था, बहुत टेस्टी हर एक चीज़, मतलब कह रहे हैं कि आपके आंगन में पूरे मिथिला का दर्शन हो गया। ऑनेस्टली आप पूछेगा जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं साथ में खा रहे हैं या जितने लोग खाना बना रहे हैं, सब ज्ञान का भंडार है। अंतर हम बात भी कर रहे हैं सबसे, मतलब हर एक पत्ते के बारे में, क्या सब्जी बन रही है उसका क्या फ़ायदा है और क्यों ऐसे बनाया जा रहा है, सबके पीछे कुछ कारण है, क्यों खाते हैं, मतलब आंवला भी खाते हैं तो आंवले का उबालते हैं उसके पानी का इस्तेमाल करना, तो बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे आके। ये सकरौड़ी है, दूध में बूंदिया डाल के इसको बनाया जाता है और मसाला डाल के। मछली को दूध का आइटम खा सकते हैं? हाँ, तस्मई भी लोग खाते हैं, तस्मई पायस वो भी खाते हैं, कई जगहों पे तो यहाँ मछली के बाद फिर मांस भी साथ साथ खाते हैं। इसके बाद त्रिपोल खा लेंगे सब खत्म। अब समझ में आया, ये जब बता रहे थे यही उनका कहने का मतलब था कि रसगुल्ला खाएंगे उसका तिलकोर खा लेंगे सब बराबर हो जाएगा। दोस्ता दो दही। हाँ, माधव आदर्श 25-50 वो खा सके। रसगुल्ली है कलकत्ता वाला जो होता है वो बड़ा बाजार है, 200 बड़ा बाजार, ये तो गुल्ली है।
जो अच्छे खाने वाले हैं वो कहेंगे नहीं, मैंने अंदर से ये रास्ता है नहीं, लेकिन आप इधर से डाल दीजिए ना। ऐसा भी कर सकते हैं, जगह बना के साइड से आ जाए। मिथिला में एक कहावत है, परो रुचि भोजन, अपने रुचि से नहीं खाइए, वो जो देगा सो खाते चल। आप रुचि सिंगार, अपने मन से कुर्ता सिलाई, लेकिन खाना खाइए दूसरे के। साइड से जहाँ जहाँ अटक रहा है वहाँ पास करा रहा है। आम का अचार और आंवला का चटनी, जब ज़्यादा मीठा हो जाए थोड़ा सा नमकीन हो गया, फिर दोबारा शुरू। रात्रि भोजन तो इसके बाद नहीं होगा, क्या है रात्रि का? फिर रात्रि का तो रात्रि में सोचा जाएगा। उसमें कोई अभी प्रवीण जी कैसा महसूस कर रहे हैं? नॉर्मल एज यूजुअल, हल्का कि भारी? ठीक है। अभी अगर राबड़ी उबड़ी आ जाए तो फिर 250 ग्राम देख सकते हैं, कुछ नहीं है। बैठे बैठे रसगुल्ला पूरा टाइट था, तीन वैरायटी चली हुई है, तो एक बार में तो जो मुलायम था वो खींचा गया, दूसरे बार में थोड़ा टाइट, तीन चार जो उसमें था तो वो चबाने के बाद भी बस उतना ही माल निकलता था। वो जाता ही नहीं था, वो तो थोड़ा चाहिए ना, तो पानी पर से दो तीन को जो है तो ससार दिए नीचे। चले चले जहाँ कॉलेज में पढ़ते थे हमारे, वहाँ भी थे लोग दरभंगा मधुबनी वहाँ के, वही दिल्ली में, वो बोलते थे हाँ बैसू गप छोड़ो, मतलब बात करने में बहुत मज़ा आता है मिथिला के लोगों से, बहुत प्रेम से बहुत मीठा बोलते हैं, और टाइम होता है आराम से तसल्ली से बात करते हैं, बहुत फुर्सत फुर्सत में मिलने नहीं। चलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, मतलब महसूस ही नहीं हुआ कि बाहर आया, लगा कि अपने परिवार में बैठे हुए, और इतनी मेहनत से इतना कुछ मतलब टेस्ट करवा दिया इतनी जल्दी जल्दी, और ऐसे सर को बता रहे थे बिल्कुल आपके आंगन में मिथिला का दर्शन हो गया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, अब कभी आप हमारे घर भी आए, कभी दिल्ली आए तो जरूर मिलिएगा, फिर आइए जी जरूर, फिर मौका लगा कभी तो जरूर आएंगे। ये तो दिन का भोजन हुआ है, एक दिन रात का भोजन और रात का भोजन पूरे रात चलेगा। देखो आवाज आएगा, हेलो नहीं आया, नहीं आया। देखो हेलो, हाँ थोड़ा सा आया, थोड़ा सा आया, देखो हेलो आया आया आवाज, चलो
अपने आवाज आ रहा है उधर दो तीन लोग हैं, मतलब आप लोगों को देखिए किसी को चश्मा नहीं लगा हुआ, हम लोगों को देखिए हम दोनों सबको लगा हुआ है, कोई नहीं पहनी है, है ज़्यादा देर बैठा जाता नहीं, ऐसे पैर सुन हो गया, आदत नहीं है बैठने की, चौकड़ी मार के शीशी बोतल भी कभी पार लेते हैं कि नहीं कभी कुछ कभी होली होली दिवाली में होली दिवाली में ठीक होली दिवाली वाले इसमें भी बहुत हैं हाँ हाँ ये बोका उका को छोड़ के और ये उका बोका सब